हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज रिवाइज करते हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये आपको एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए केवल 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो कि हम एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे पढ़कर और समझते हुए। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, वन जीन ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना। आप जहाँ पर भी डिसऑर्डर, जिस चैप्टर का डिसऑर्डर है, सारे के सारे डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए, यानी कि डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डिजीज़ के बारे में पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको इंट्रोडक्शन में दिया है केवल। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आप लोगों ने मेंडल्स के बारे में सुना ही होगा, जॉर्ज मेंडल इनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? जॉर्ज मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गॉर्डन पी फॉर 7 ईयर 1856 से 1863 एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया था। इन्होंने 7 सालों तक पी प्लांट पर काम किया था। देखिए, गार्डन पी पर इन्होंने 7 सालों तक काम किया था। उस साल कौन सा? 1856 से 1863। ये ईयर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक बार नीट में, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इन्होंने 7 सालों तक ही काम क्यों किया ये भी जानना है, क्योंकि जो मेंडल ने पी प्लांट लिए थे उसमें 7 कैरेक्टर थे। देखिए, यहाँ पे कैरेक्टर दे रखा है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट, यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट। कौन कौन से कैरेक्टर हैं यहाँ पर? सीड शेप है एक कैरेक्टर, एक सीड कलर है, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। 7 कैरेक्टर है। इन्होंने 7ों कैरेक्टर को, 1 कैरेक्टर को 1 ईयर दिया, तो 7 कैरेक्टर को स्टडी करने में इन्होंने 7 साल दिया। इनकी सफल होने का यही ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इन्होंने 1 कैरेक्टर को 1 साल तक स्टडी किया। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रखा कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और मेंडल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इतिहास में बायो में मैथ का यूज किया था। एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वेर अप्लाइड टू प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। ठीक है, इन्होंने पहली बार मैथ को बायो में यूज़ किया था, इसलिए इनकी जो एक्सपेरिमेंट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट जो कमेटी थी उन्हें पसंद नहीं आई, समझ में नहीं आई, क्योंकि इन्होंने पहली बार मैथ का यूज किया था बायो में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टर लिए थे टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो और ग्रीन सीड। दिस अलाउड हिम अ सेट अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस। इन्होंने 2 को लेकर इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग ट्री लाइन। ठीक है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी करते थे मेंडल। वो कैसे करते हैं हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वहाँ पर आता है ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स के करते हैं, ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, जो कि आप लोगों ने क्लास 12 के 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा। ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक क्या होता है? ठीक है, क्या करते हैं? अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो वहाँ पर ये स्टिग्मा हो गया, ए स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया और ये थैलेमस हो गया आपका, तो यहाँ से स्टेमन भी निकले होंगे, एंथर है, ये एंथर है, तो यहाँ से जितने भी एंथर होते हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है, काट कर स्टेमन को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना हो सके, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर ना आ पाए, और इसे बैगिंग कर देते हैं, बटर पेपर से कवर कर देते हैं। इमेस्कुलेशन हो गया और बैगिंग हो गया, इससे हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन कर सकते हैं। हम जो पोलन जिस स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना चाहते हैं हम कर सकते हैं इस टेक्निक से। इमेस्कुलेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही होगा भाई, सेक्सुअल फ्लावर में केवल और केवल बैगिंग ही होगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। मेंडल ने कितने
करेक्टली के साथ मैनल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी, सही है, एज ए पेयर विच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, सही बात है। कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेड थे, स्मूथ और व्रिंकल सीड, येलो और ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन, येलो पॉट्स, टॉल और डॉर्फ प्लांट्स, ये सारे के सारे टेबल 5.1 में सारे के सारे बता रखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी बता रखे हैं, देखिए जो मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ एंथर, इमेस्कुलेशन, स्टेमन को काट दिया जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन जो कि हम चाहते हैं, जो हम सब प्लांट चाहते हैं वही ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये करते हैं इमेस्कुलेशन एंड बैग, इमेस्कुलेशन केवल और केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में करेंगे, ठीक है। अगर बाईसेक्सुअल फ्लावर ले लें तो वहाँ क्या वहाँ पर इमेस्कुलेशन करेंगे, नहीं, क्योंकि वहाँ पर बाईसेक्सुअल फ्लावर, या तो फीमेल फ्लावर होगा या मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर होगा तो हम केवल और केवल बैगिंग करते हैं। बैगिंग क्यों करते हैं, सही बात है, बैगिंग करते क्यों हैं हम, बैगिंग इसलिए करते हैं क्यों अनवांटेड पोलन इस पर आकर फर्टिलाइजेशन ना कर ले, अनवांटेड जिसको हम चाहते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बैगिंग कर देते हैं, बटर पेपर से कवर कर देते हैं। हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में, वन जीन का इनहेरिटेंस होता है, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया गया है मेनर क्रॉस टॉल एंड डॉर पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, सही बात है, यहाँ पर बताया गया, देखिए यहाँ पर बताया गया, यहाँ पे टॉल ले लिया, डॉर्फ ले लिया, ये टॉल है यानी कि कैपिटल टी मान लेते हैं, डॉर्फ स्मॉल टी, सही बात है। अब इनका क्रॉस हुआ, सेल्फिंग हुआ, टॉल टॉल आ गया, टॉल टॉल ही आएगा ना, यहाँ पे क्रॉस करवाइए यही आएगा, ये इसका। अब यहाँ पे इसने बोला सेल्फिंग कर दीजिए, जो F1 जनरेशन है, जो पहला जनरेशन आता है, F मतलब होता है फिलियल जनरेशन, उसे बोलते हैं हम F1 जनरेशन, इसका हमने सेल्फिंग कर दिया, प्लांट में सेल्फिंग सिबलिंग के द्वारा ही करते हैं, सिबलिंग में क्रॉस करवा दिया तो सेल्फिंग होगा। जब यहाँ पर होगा टी क्रॉस टॉल टॉल, ये है आपका हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस है, और ऊपर से रखा ये आपका होमोजाइगस टॉल है, ये भी होमोजाइगस डॉर्फ है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, सही बात है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्रॉस होता है तो एक टॉल आता है, तीन टॉल आते हैं, देखिए एक डॉर्फ आता है, लेकिन ये तो इसका फीनोटाइप हुआ, अगर इसको फीनोटाइप का रेशियो आपको कोई पूछो तो क्या बोलेंगे आप, 3:1, तीन टॉल है एक डॉर्फ है, यही बोलोगे आप, सही बात है। अगर जीनोटाइप का रेशियो किसी ने पूछा तब क्या बोलोगे आप, जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, आप क्रॉस करिए, अगर आप क्रॉस करते तो ये रिजल्ट आता है, ठीक है। तो जीनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1, फिनोटाइप का रेशियो क्या रहा, 3:1, और जीनोटाइप का रेशियो क्या रहा, 1:2:1, देखिए यहाँ पर वही बातें बताई गई हैं, ठीक है ना, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव, जो कैपिटल वाला है ये डोमिनेंट है और जो स्मॉल वाला है ये रेसेसिव है, ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में, इनहेरिटेंस होता तो ये होता है, लेकिन ठीक है इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बना रखा है, ये क्या है, पुनेट स्क्वायर, ठीक है, पुनेट स्क्वायर यहाँ पे बता भी रखा क्या होता है, ठीक है, पुनेट स्क्वायर से भी आप सेल्फिंग क्रॉस करवा के देख सकते हैं। वो एक मेथड होता, वो कौन सा मेथड था, वो था फोर्क लाइन मेथड, ठीक है, वो कौन सा मेथड था, फोर्क लाइन मेथड था, ये है पुनेट स्क्वायर मेथड। यहाँ पे डॉर्फ ले लिया आपने, देखिए यहाँ पे कौन सा डॉर्फ है, होमोजाइगस डॉर्फ, यहाँ पे होमोजाइगस टॉल है, यहाँ पे गैमेट कौन सा बनेगा, एक कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, तो इन दोनों का क्रॉस जाएगा, 1, 2, 3, 4, सही बात है। फिर देखिए चारों सेम बने, हेट्रोजाइगस टॉल, यहाँ पर ये बताना आता है कि जो F1 जनरेशन है, फीलियल F1 जनरेशन, उसमें केवल एक पेरेंट का ही कैरेक्टर आया, क्योंकि एक पेरेंट टॉल था, दूसरा डॉर्फ था, तो डॉर्फ के कैरेक्टर आए ही नहीं, सीन ही नहीं हुए, हमें सीन हुए नहीं हुए, ठीक है। जब हम सेल्फिंग करते हैं तब जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी कि F2 जनरेशन, वहाँ पे हमें
दोनों पेरेंट दिखते हैं, एक टॉल भी दिख रहा है एक डॉर्फ दिख रहा है, और दो हेटरोजाइगस टॉल है। तो ये बताता है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, एक कैरेक्टर जो होता है रेसेसिव होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो रेसेसिव को रिप्रेजेंट नहीं करने देता। यहाँ पे देखिए एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, स्मॉल टी रेसेसिव। तो डोमिनेंट वाला इसको रिप्रेजेंट नहीं कर देना, नहीं करने दे रहा, ये खुद टॉल बना रहा है, इसको डॉर्फ नहीं बनाने दे रहा, स्मॉल टी को काम करने नहीं दे रहा। तो यहाँ पे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट, यहां से हमें पता चलता है लॉ ऑफ डोमिनेंट। ठीक है, ये बातें यहां तक यही सारी बताई गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखिए 1:1:4 यहां तक बात होगी। अब क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस हम कैसे करते हैं। ठीक है, जब हम रेसेसिव पेरेंट को, रेसेसिव पेरेंट हम क्रॉस कैसे कर रहे थे, यही सारे गैमेट बनेंगे जितने भी बनेंगे। ठीक है, यही बनेंगे। जब हम रेसेसिव पेरेंट को F1 प्रोजेनी से क्रॉस करते हैं, जब हम इसका क्रॉस इससे करेंगे तब हम इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, समझ में आई बात। जब हम रेसेसिव पेरेंट को, रेसेसिव पेरेंट यही है, ये तो डोमिनेंट पेरेंट है, जब हम रेसेसिव पेरेंट को F1 प्रोजेनी के साथ क्रॉस करते हैं तब हम उस क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, हम टेस्ट क्रॉस करते क्यों हैं, हम टेस्ट क्रॉस इसलिए करते हैं क्योंकि हम F1 प्रोजेनी के जीनोटाइप का पता लगा सके कि यह होमोजाइगस टॉल है या हेटरोजाइगस टॉल है। सही बात, इतनी बात आपको समझ में। टेस्ट क्या, क्रॉस क्या होता है, हाँ टेस्ट क्रॉस तब बोलते हैं जब हम F1 प्रोजेनी को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, तब हम उस क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये रहा F1 प्रोजेनी और ये रहा रेसेसिव, जब हम इसका क्रॉस इससे करेंगे तो इस क्रॉस को हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, हम करते क्यों, हम इसके जीनोटाइप का पता लगाने के लिए करते हैं कि होमोजाइगस हेटरोजाइगस हमें पता नहीं है, होमोजाइगस हेटरोजाइगस। अगर मान लीजिए टॉल हो रहा है तो टॉल तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों से टॉल हो रहा है, ये है या ये है। हम इसके लिए पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। पता कैसे लगाते हैं, ठीक है चलिए यहाँ पता लगाते हैं। अगर हम देखिए दो लेते हैं, दो क्रॉस लेते हैं, एक इधर लेते हैं कैप्टन, एक बार हमने होमोजाइगस लिया रेसेसिव पेरेंट, एक बार हमने हेटरोजाइगस लिया। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, सारे के सारे प्लांट टॉल बनेंगे। ठीक है, चार बनेंगे, सारे के सारे प्लांट टॉल बने। यहां पर क्या होगा, ठीक है तो यहां पर देखिए सारे के सारे प्लांट टॉल बने। अगर हम क्रॉस करवाते हैं, अगर सारे के सारे प्रोजेनी टॉल आ रही है तो हम मान लेंगे जो F1 प्रोजेनी है वो होमोजाइगस टॉल है। अगर रेशियो 1:1 आ रहा है, एक टॉल, देखिए रेशियो 1:1 ही आ रहा है ना, दो टॉल आ रहे हैं दो ड्वार्फ आ रहे हैं, दो टॉल आ रहे हैं दो ड्वार्फ आ रहे हैं, तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा 1:1 ही होता है, चाहे वो जीनोटाइप का हो या फीनोटाइप का हो। जीनोटाइप या फीनोटाइप का रेशियो 1:1 आता है मोनोहाइब्रिड में। ठीक है, अगर हम वही बात डाई हाइब्रिड में करें तो डाई हाइब्रिड में भी 1:1 ही आएगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:1:1:1 चार बार 1:1 आ जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे भी लिख दूंगा मैं ये बात। ठीक है, तो हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, F1 प्रोजेनी के जीरो टाइप का बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 ही आता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में चाहे वो जीनोटाइप का रेशियो हो या फीनोटाइप का। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। देखिए बात वही, यही बात यहाँ पे बता रखी है, एक बार हमने होमोजाइगस रेसेसिव लिया, एक बार हमने होमोजाइगस रेसेसिव, ये रहा डोमिनेंट फीनोटाइप जीनोटाइप अननोन है, इसका बारे में पता लगाने के लिए आप पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे कलर के बेसिस पे लिया, ऑल फ्लावर्स आर वायलेट,
अगर सारे के सारे फ्लावर वायलेट है तो एक ऐसा हो जाएगा डोमिनेंट हो जाएगा, होमोजाइगस होगा। अगर दो फ्लावर वायलेट है दो फ्लावर वाइट है तो रेशियो वन ही आ रहा है, तो इसका कैसा जीनोटाइप हो जाएगा, हेटरोजाइगस हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने बता दी, ठीक है। यहाँ से क्या पता चलता है, प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पता चलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पता चलता है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पता चलता है हमें कैसे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से हमें इन तीनों के बारे में पता लगता है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, सही बात है। फैक्टर जो होता है पेयर में अगर करता, सही है, एक फैक्टर में जो पेयर में होता है एक होता है उसमें से डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव, ठीक है, सही बात है, ये बात आप देख लीजिए। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है जो भी पेयर में फैक्टर होता है यानी हम उसे जीन बोलते हैं, वो अपने आप सेग्रीगेट हो जाता है, एक गैमेट में अलग एक गैमेट में अलग, ठीक है। कैसे, अगर ये है तो ये इंडिपेंडेंटली अलग गैमेट में चला जाएगा, ये अलग गैमेट में चला जाएगा, ये कहना चाहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार। देखिए, टू काइंड ऑफ गैमेट विच हैविंग वन एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन में चले जाते हैं। अब यहाँ पर आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी तक हमने पढ़ा अगर एक जीन फैक्टर डोमिनेंट है दूसरा रेसेसिव है तो हमेशा डोमिनेंट ही वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, रेसेसिव वाला नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है, कौन सा एक्सेप्शन है, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। कैसे होता है ये देख लेते हैं, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है को डोमिनेंस, ये दोनों एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पहले हम जो क्रॉस दे रखा हो, हमने एक बार रेड फ्लावर लिया एक वाइट लिया, क्रॉस कराया तो कौन सा कलर आया, आना तो चाहिए कैपिटल आर, क्या आपका डोमिनेंट है ये रेसेसिव, तो क्रॉस कराने में पहली बार क्या आना, जैसे हमने टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराया था तो टॉल ही आया था, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आना तो रेड चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो पिंक फ्लावर आ रहा है, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात ही नहीं मान रहा, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, बायो में भी एक्सेप्शन आते, तो ये एक्सेप्शन आ गया। क्यों आ रहा है कि यहाँ पर कैपिटल आर एक स्मॉल आर, कैपिटल आर तो डोमिनेंट है, ये चाहता रेड कलर बनाना, ये चाहता वाइट बनाना, तो ना ये कैपिटल आर जो डोमिनेंट कैरेक्टर ये अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता, अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और स्मॉल आर कैपिटल आर को अपने फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करने देता है। स्मॉल आर बोलता मैं एक्सप्रेस नहीं होने दूंगा तो तुझे भी नहीं करने दूंगा, मारा मारी चलती है, तो भाई अलग कलर बीच का कलर आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे सेल्फिंग होगी, एक रेड आएगा एक वाइट आएगा दो पिंक आएंगे। देखिए, फिनोटाइप रेशियो 1:2:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप के रेशियो सेम होता, कैसा होता, 1:2:1, 1:2:1, ठीक है, सही बात है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल है वो आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम्पल है, फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर है, स्नैप ड्रैगन और एंटी राइनम मेजर्स, ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही है जो बात मैंने आपको बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं को डोमिनेंस के बारे में, यहाँ पे को डोमिनेंस है, ठीक है। को डोमिनेंस में क्या होगा, को मतलब साथी, जैसे को एक्टर होते हैं, आपने को एक्टर सुना होगा, जो हीरो हीरोइन होते हैं उन्हें को एक्टर बोलते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों साथ काम करते हैं, कोई दूसरे को रोकता नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक बंदा दूसरे को रोक रहा है, कंप्लीट में कंप्लीट डोमिनेंस होता, तो जो कैपिटल टी वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो स्मॉल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। को डोमिनेंस में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों के दोनों एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी बीच का ही आएगा, ठीक है। देखिए, बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ पेरेंट ए एंड बी, दोनों पेरेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ए गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग,
एबीयू ब्लड ग्रुपिंग में हमने सुना होगा एक ब्लड ग्रुप होता है ए, सही बात है, एक होता बी, एक होता ए बी, एक होता ओ। जो ए बी है ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। एबीयू ब्लड ग्रुप में जो ए बी ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे ए बी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने अलील हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अलील फ्रॉम ए, अलील फ्रॉम टू, जीनोटाइप और ब्लड ऑफस्प्रिंग। जीनोटाइप कितने हैं यहाँ पर, देखिए एक जीनोटाइप ए है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, ब्लड। अब फीनोटाइप कितने हैं, फीनोटाइप यहाँ पर चार है, ए बी, ए बी और ओ, ए ए बी, ए तो फिर आ गया, बी आ गया, बी ओ, चार फीनोटाइप होता है और छः जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, छह जीनोटाइप होते हैं। कैसे, देखिए ए ए यहाँ पर दोनों डोमिनेंट हैं, यहाँ पर ए बी है, सही बात है, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, फिर यहाँ पर ए बी आ गया और यहाँ पर ए बी, ये तो रिपीट हो रहा है दोबारा, इसे हम एक ही गिनेंगे, यहाँ पर बी बी और यहाँ पर छः जीनोटाइप होता है। ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप कितने होते हैं, छः, और फीनोटाइप का रेशियो क्या होता है, फीनोटाइप होते हैं चार। जीनोटाइप का निकालने का फॉर्मूला भी होता है, एन टू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ पे अलील कितने हैं, ए बी ब्लड ग्रुप में तीन अलील हैं। ठीक है, एन की वैल्यू तीन है, तीन अब पुट करेंगे, देख लेंगे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे तीन पुट करिए एन की जगह, तीन, तीन प्लस एक चार, डिवाइड बाई टू, दो से दो हो गया, छः आ गया, जीनोटाइप का छः आ गया। जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला ये है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अलील, नंबर ऑफ अलील। ठीक है, ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप ही मल्टीपल अलील्स का भी एग्जांपल है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, और ए बी ब्लड ग्रुप मल्टीपल अलील्स का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे तीन अलील आ रहे हैं, हमने अभी तक दो अलील के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे तीन अलील भी आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में, किसके बारे में, अभी हमने सिंगल जीन के बारे में पढ़ा था जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था, अब यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, हम यहाँ पे दो कैरेक्टर लेंगे, जैसे हमने वहाँ पर टॉल और ड्वार्फ लेकर लिया था। ठीक है, अब हम टॉल के साथ एक और कैरेक्टर लेंगे, टॉल येल्लो, ड्वार्फ और व्हाइट कैरेक्टर ले लेंगे, दो कैरेक्टर लेकर हम क्रॉस करवाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, सीधा हम डाईहाइब्रिड क्रॉस लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर ले गए, येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर व्रिंकल, येलो एंड राउंड, व्रिंकल एंड ग्रीन, हम दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कर रहे हैं। तो आप ये बातें वही लिखी गई हैं जो आप सीधा डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, देखिए राउंड और येलो यहाँ पर है, एक व्रिंकल और एक कैरेक्टर, ये दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ये दो कैरेक्टर, इसी से इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैमेट बनेगा आर वाई, आर वाई, सही बात है। जो पहला जनरेशन होगा एफ वन जनरेशन में राउंड और येलो बनेगा, ये आपका हेट्रोजाइगस है, दिख ही रहा होगा आपको, हेट्रोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस का सेल्फिंग होगा, तो ये आपका पुनेट स्क्वायर में कैसे क्रॉस करते हैं आप तो पता ही होगा, सेल्फिंग होगा, तो गैमेट यहाँ पे कैसे बनेंगे, एक गैमेट, दो गैमेट, तीन गैमेट, चार, 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 तो यहाँ पे सीड्स कितने बनेंगे, सीड्स निकाल देंगे का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टू की पावर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, टू की पावर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, जब आपकी सेल्फिंग करते तो दो बार लिखेंगे आप, एक बार इधर एक बार इधर, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितना हो जाएगा, एक दो मेल का, दो फीमेल के, चार हो गए, टू की पावर फोर कितना होता है, सोलह, सोलह गैमेट बनेंगे, सोलह सीड्स बनेंगे, यहाँ पे देखिए सोलह सीड्स बने, चार, चार चौक सोलह, तो यहाँ गैमेट कैसे बनता है, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करके यहाँ पे लिखेंगे, इसका इससे ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, मैं बताऊँ, ये वाला पहले आप इधर लिखिए, फिर ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला, ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ देखने के लिए। अब हम इसका फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं, क्या रहा, नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन,
9 राउंड येलो आते हैं, 3 राउंड ग्रीन आते हैं, 3 व्रिंकल और येलो आते हैं, एक जो होता है व्रिंकल्ड और ग्रीन आता है, एक रेसिसिव कैरेक्टर आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाता है, इसके कोई भी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे लॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी आप टेस्ट क्रॉस करेंगे, ठीक है, टेस्ट क्रॉस करते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट क्रॉस करते हैं आप यहाँ पर, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या आएगा, 1:1:1:1, ठीक है, बात समझ में आई ना, हमेशा 1:1 टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1 ही आएगा। अगर यहीं पर ट्राई हाइब्रिड कर दे तो 1:9 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप या फिनोटाइप के रेशियो सेम होता है, ये बात आप लोगों को दिल और दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, ये बात वही बताई गई डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो मैंने आपको बताई, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर बताया गया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865 में पब्लिश किया था, बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। देखिए कितने सालों तक, 35 सालों तक किसी को इनके काम के बारे में पता नहीं था। ठीक है, 35 सालों तक। फर्स्टली एक क्यों नहीं पता था, क्योंकि पहला रीजन तो सबसे मेन रीजन यही था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी में मैथ का यूज किया था, जो किसी साइंटिस्ट को विश्वास नहीं हो रहा था कि बायो को हम मैथ को हम बायो में भी यूज कर सकते, ना किसी को समझ में आया, पहला रीजन तो ये था। सेकेंडली कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी, उस टाइम पर कम्युनिकेशन भी ईजी नहीं थे। सेकेंडली हिज कंसेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर किसी को समझ में नहीं आया था। ठीक है, थर्डली मेंडल अप्रोच यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। उस टाइम पे किसी भी बायोलॉजिस्ट को समझ में अनएक्सेप्टेबल था, किसी को समझ में नहीं आया था। ठीक है, सही बात है यहाँ तक। तो फिर 1900 में थ्री साइंटिस्ट डिब्रिस, कोरेंस एंड वॉन शेकमार, ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग अपने अपने देश में खोज करके उसी नतीजे पर पहुंचे जो मेंडल 35 साल पहले पहुंच गया था। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों साइंटिस्ट को बोला जाता है इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इनके काम करने के बाद हमने मेंडल को क्या बोला, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इनके काम करने के बाद हमने मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला। देखिए, दिस लीड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। उसे हम बोलते हैं क्रोमोजोम, पहले उसे बोलते थे कलर्ड बॉडीज। ठीक है, ये आप सेल डिवीजन में पढ़ा होगा कैसे होता है ये ट्रांसफर, यहाँ पे क्यों लिखा सेल डिवीजन के प्रायर ही डिवाइड होता है। ठीक है,